को कहा कि अगर कुछ हो बात हो तो बीजेपी के ऊपर है, बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ हो खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक कुछ चले जाएंगे, घर में कोई बच्चा होते ही भी न कहने कि बीजेपी की वजह से हो रहा है। एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ, आपको पता ही होगा कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ममता स्पष्ट रूप से कह रही है। राजद या फिर महागठबंधन के लोगों के घर में बच्चा भी होगा तो वो ये ना कह दें कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाया है। जी हाँ, कल कुछ इसी तरह से भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जमकर बिहार सरकार पर हमला बोला है, महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके से बिहार में पुल ध्वस्त होने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये पुल गिरवा रही, और इसको लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सीधे तौर पर जमकर हमला बोला है और कहा कि वो बोलते बोलते कहां तक चले जाएंगे नहीं पता, कल होकर उनके घर में बच्चा भी होगा तो वो कहेंगे कि भाजपा ने ही करवाया, कहीं ऐसा ना वो बोल दे। क्या कह रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पहले हम आपको सुनाते हैं। ये सरकार हमें लगता है कि किस तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रही है, उसके क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर वह पुल अपना उम्र बिता चुका है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर बात है, गंभीर मामला है, और इस मामले को बहुत साधारण तरीका से देखना नहीं चाहिए। और इसको अगर हम माने अगर गंभीरता से देखेंगे तो फिर ऐसी घटनाओं से निजात पा सकते हैं, ऐसी घटनाएं न घटे। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही गिरा दिया है, बीजेपी ही गिरवाई कर दी। वो तो उसको कहा कि अगर कुछ हो बात हो तो बीजेपी के ऊपर है, बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ हो खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक कुछ चले जाएंगे, घर में कोई बच्चा होते ही भी न कहने कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, कहीं कुछ हो कह सकते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष की बैठक आगामी 12 जून को बिहार में होनी थी लेकिन उसको अब कैंसिल कर दिया गया, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आने वाले अगला तिथि को होगा, क्या लग रहा है कि विपक्ष की बैठक सफल होगी? सवाल ही नहीं उठता है, मैंने पहले ही से आपने देख लिया 12 को ही एकदम ढिढोरा पीट रहे थे घूम घूम कर करके पूरे देश में, हर जगह आग्रह विनती कि आप मेरे यहाँ आइए मेरे यहाँ आइए, 12 बीत गया, कई एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ, आपको पता ही होगा कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ममता स्पष्ट रूप से कह रही है, ममता कह रही आपके बुलाने पर मैं क्यों आऊँगा, मैं बहुमत वाली सरकार चलाती हूँ मैं आऊँगा, केजरीवाल कह रहे हैं मैं दो स्टेट में सरकार चलाता हूँ इसे मैं क्यों आपके कहने से आऊँगा, केसीआर कह रहे हैं कि नहीं मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ तो मैं क्यों आऊँगा, आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा, यही बड़ा विडम्बना है। सवाल ही नहीं उठता है, विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है, यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना वही बता पाएगा। सीधे तौर पर बिहार में जिस तरीके से पुल गिरने को लेकर सियासत तेज है तो इसको लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी जोरदार हमला बोला, साथ ही साथ विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भी सांसद ने जोरदार निशाना साधा और साफ साफ कह दिया कि विपक्षी एकता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसजी न्यूज पटना।